अगर अभी तक आपने रचनास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने थोड़ी मोटी सी मिर्च ली है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इसको हमने बहुत अच्छे से धो के सुखा दिया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम गोल गोल काट लेते हैं इस तरह से। हमने इसको इतना बड़ा बड़ा रखना है। हरी मिर्च हमने सारी काट ली है, ये लगभग 50 ग्राम मिर्च है। अब इसमें जो हमने मसाले डालने हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने लिया है राई एक चम्मच, एक चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच है हमारा मेथी दाना, उसके बाद कलौंजी लिया है मैंने 1/4, और ज़ीरा एक चम्मच। अब हम और एक सूखी लाल मिर्च है, इन सबको हम ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर देंगे। हमने पैन चढ़ा दिया है, अब ये सारे जितने मसाले हम इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको ड्राई रोस्ट करने के लिए, 2 से 3 मिनट। मसाला हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया। तो हम अचार डालना शुरू करते हैं। मैंने ये तेल लिया है, लगभग 4 टेबलस्पून है ये सरसों का तेल। इसको मैंने अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो हम मसाला हमने बनाया था ग्राइंड करके वो सारा डाल देते हैं। एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, और 1/4 मैंने काली मिर्च भी डाली है इसमें। इसको हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं। अब हम धीरे धीरे करके इसमें सरसों का तेल डालते हैं। इसमें से थोड़ा और डाल देते हैं। जितना ज्यादा सरसों का तेल रहेगा उतना ज्यादा देर तक ही मिर्ची जो है वो ठीक रहती है, बट हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, तो इतना सरसों का तेल काफ़ी है। अब इसके बाद मैं इसमें एक नींबू निचोड़ने वाली हूँ, पूरा एक नींबू, इससे इसमें खट्टापन भी आएगा और आप इंस्टेंटली इसको खा भी सकते हैं। अब मिक्स कर दिया हमने इसको। अब हम एक जार ले लेंगे, इस जार में हम इसको ट्रांसफर, इसको बहुत अच्छे से हमने धो लिया है और धो के हमने बिल्कुल सुखा दिया है। अब इसमें हम इसको डाल देते हैं। हमने इसको पूरे जार में भर लिया है, अब हमने सिर्फ एक दिन के लिए उसको धूप देना है, उसके बाद हम इसको अच्छे से खा सकते हैं। इवन क्योंकि हमने नींबू मिलाया है तो हम वैसे भी खा सकते हैं इसको, बट एक दिन अगर आप धूप में इसको रखोगे तो और ज्यादा टेस्टी बन जाएगा।